May I now request Acharya Lokesh ji to share your thoughts with us. भारत सरकार की केंद्रीय विदेश राज्य एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री बहन मीनाक्षी लेखी जी, हमारे महान बौद्ध धर्माचार्यगण, अम्बेसडर्स, उपस्थित बंधु और बहनों, मैं केवल शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इतना ही कहूंगा, एक माँ की दो जुड़वा संतान थी, एक भगवान बुद्ध थे जिन्होंने करुणा का, कंपेशन का संदेश पूरी दुनिया को दिया, तो दूसरी माँ की संतान थी भगवान महावीर जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का, शांति का संदेश दिया। मैं आज अपने तमाम भाइयों को इस बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमारे भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इतना सुंदर कार्यक्रम बुद्धम शरणम गच्छामि आयोजित किया गया है, मैं सांस्कृतिक मंत्रालय और उसकी मुखिया बहन डॉक्टर मीनाक्षी लेखी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। और उसके साथ आप सबको भी, आइए बंधुओं, हम सब मिलकर के भगवान बुद्ध के बताए हुए उस करुणा के, उस कंपेशन के, क्योंकि आज सबसे जरूरत अगर किसी बात की है तो वो है करुणा की। करुणा का स्रोत जब सूख जाता है तो विकृतियां और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा, भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल करके हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और इसलिए मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हिज होलीनेस दलाई लामा के पास दो दिन उनके पास उपस्थित था, और आने वाले समय में मैं आपको अभी से आमंत्रित करूं, भारत की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ी वर्ल्ड इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस अहिंसा विश्व भारती संस्था आयोजित करने जा रही है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि हिज होलीनेस दलाई लामा ने स्वयं उस कॉन्फ्रेंस में आना विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया है, और इसलिए मैं अभी से आपको निमंत्रण देता हूं, आइए हम सभी भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चले। उनके संदेश तात्कालीन समय में जितने उपयोगी थे उससे अधिक प्रासंगिक मौजूदा समय में है। बुद्धम शरणम।